हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेनोकोड। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम यूजर आईडी से बबल में लॉग इन कैसे करते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे दो ग्रुप क्रिएट कर चुका हूँ, साइन अप एंड लॉग इन। और हम जब हम साइन अप करेंगे तब हम यूजर आईडी क्रिएट करेंगे और यूजर आईडी से हम लॉग इन करेंगे। तो सबसे पहले हमें डेटा में जो हमारा डेटा टाइप है यूजर, यूजर के यूजर में हम एक फील्ड न्यू फील्ड क्रिएट करेंगे यूजर आईडी। और यूजर आईडी फील्ड टाइप हमारा होगा टेक्स्ट। उसके बाद हम डिजाइन पे मैंने यहाँ पे ये ग्रुप बनाए हुए हैं ईमेल और पासवर्ड का। और यहाँ पर ईमेल को मैंने ईमेल टाइप लिया है और पासवर्ड को पासवर्ड टाइप। और हमें ये दिखाना है कि जब हम पेज लोड पे हमारा साइन अप ग्रुप दिखे विजुअल हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इसे पेज लोड पे ऑन करना है। और हम चाहते हैं कि जब पेज लोड हो तब लॉग इन ग्रुप विजुअल ना हो, तो उसे हम पेज लोड पे ऑफ रखेंगे। और जब फर्स्ट साइन अप वाले ग्रुप पे लॉग इन पे क्लिक करें तब हमारा विजुअल हो लॉग इन ग्रुप। लॉग इन साइन अप के लॉग इन बटन पे वर्क फ्लो देंगे। सो एन एलिमेंट ग्रुप लॉगिन और यहाँ पे हम हाइड करेंगे ग्रुप साइनअप। ग्रुप साइनअप सेम हम लॉगिन के साइनअप बटन पे करेंगे, वर्क फ्लो करेंगे। सो एन एलिमेंट ग्रुप साइनअप और हाइड करेंगे ग्रुप लॉगिन। और इस पे हम कंडीशन देंगे करेंट यूजर इज लॉग्ड इन, तब ये ग्रुप हमारा विजुअल नहीं होगा। और इसे हम अनटिक करेंगे। सेम हम लॉग इन ग्रुप के लिए करेंगे जब करेंट यूजर इज लॉग्ड इन, तब ये ग्रुप विजुअल नहीं होगा। अब हम स्टार्टिंग में साइनअप प्रोसेस देखेंगे कि साइनअप के टाइम हम यूजर आईडी कैसे जनरेट करेंगे। साइनअप बटन के हम स्टार्ट एंड एडिट वर्क फ्लो पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्शन देंगे साइन द यूजर अप। ईमेल में लेंगे हम साइनअप ईमेल्स वैल्यू। मैंने इनपुट नेम यहाँ पे साइनअप दिया है ईमेल के लिए साइनअप ईमेल एंड पासवर्ड के लिए साइनअप पासवर्ड। और हम पासवर्ड पे लेंगे साइन अप पासवर्ड्स वैल्यू। और जो हमें यूजर आईडी क्रिएट करनी है उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज अनदर फील्ड। चेंज अनदर फील्ड में हम उसके बाद क्लिक करेंगे यूजर आईडी। यूजर आईडी हमने जो यहाँ पे क्रिएट की थी यूजर के न्यू फील्ड पे यूजर आईडी। उसके बाद यूजर आईडी इक्वल टू यहाँ पे हम करें ये लेंगे कैलकुलेट फार्मूला। कैलकुलेट फार्मूला पे क्लिक करने पे हमें यहाँ पे टाइप आएगा। यहाँ पे हम करेंगे जनरेट रैंडम स्ट्रिंग। इस पर क्लिक करने पे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आएगा लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे हम मैन्युअली यहाँ पे जितना हमें कैरेक्टर चाहिए वो टाइप करेंगे। मैं भी 4 टाइप करता हूँ यहाँ पे 4। और यहाँ पे हमें किस टाइप का कैरेक्टर चाहिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूज नंबर। ओके, और नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा लॉगिन का। जब हम लॉगिन करेंगे तब हमारा यूजर आईडी से हमें लॉगिन करना है, हमें ईमेल नहीं लेना है। तो हमने यहाँ पे यूजर आईडी का नेम दिया है लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है लॉगिन पासवर्ड। अब हम लॉगिन बटन के वर्क फ्लो पर जाएंगे स्टार्ट एडिट वर्क फ्लो। और यहाँ पे देंगे हम लॉगिन लॉग द यूजर इन। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे डू अ सर्च फॉर यूजर। और यहाँ पे हम कंस्ट्रेन देंगे डू अ सर्च कर यूजर सेलेक्ट करने पे टाइप। यूजर सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे ऐड अ न्यू कंस्ट्रेन यूजर आईडी। और यूजर आईडी पे हम लेंगे इनपुट जो हमने यहाँ पे इनपुट बनाया है लॉग इन यूजर आईडी।
लॉग इन यूजर आईडी की वैल्यू यहाँ पर कंस्ट्रेंट में लेंगे और सर्च फॉर यूजर्स यहाँ पे हम सर्च करेंगे ईमेल, ईमेल के फर्स्ट आइटम और हम पासवर्ड लेंगे लॉग इन पासवर्ड वैल्यू। और जब हमारा यूजर लॉग इन हो जाए उसके बाद हमें लॉग आउट बटन दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे पेज लोड पे ऑफ करेंगे और यहाँ पे कंडीशन, इस पे कंडीशन देंगे व्हेन करेंट यूजर इज लॉग्ड इन, तब यहाँ पे ये दिस एलिमेंट इज पर हम क्लिक करेंगे। सेम हम और यहाँ पे हमें लॉग इन पे सेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया जहाँ पे हम दिखाएंगे करेंट यूजर की यूजर आईडी, यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ यूजर आईडी स्पेस और ये भी हमें सेम, तब जब करेंट यूजर लॉग इन हो, करेंट यूजर इज लॉग्ड इन तब ये विजुअल है और इसे हम पेज लोड पे ऑफ कर दें। अब हम प्रीव्यू करके देखेंगे लॉगिन दिखने है, हमारे पास पेज लोड पे साइन अप है और लॉगिन करने पे लॉगिन आ रहा है। सबसे पहले हम साइन अप करेंगे, साइन अप ईमेल टेक्स्ट वन एट द रेट gmail.com पासवर्ड 1234 साइन अप। ओके, जैसे हम साइन अप होते हैं तो हमारा यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है और यूजर आईडी हमारी क्रिएट हो चुकी है 8546। और हम एक बार डेटा में चेक कर लेते हैं, डेटा के यूजर पे हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका, यूजर भी क्रिएट हुआ है और हमारी यूजर आईडी है 8546। एक और यहाँ पे हमें लॉग आउट का हमें वर्कफ्लो देना होगा, लॉग द यूजर आउट। ओके, हम यूजर आईडी हमारे पास है 8546। अब हम लॉग इन करेंगे यूजर आईडी से 8546 पासवर्ड 1234 लॉग इन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने जो यूजर आईडी क्रिएट की थी उससे हमने यूजर को लॉग इन किया है। और हम एक और कंडीशन दे सकते हैं, जब लॉग इन पे क्लिक हो तब ग्रुप और लॉग इन हाइड हो जाए। हाइड एन एलिमेंट ग्रुप लॉग इन, तो अभी हमने यूजर आईडी से यूजर को लॉग इन किया है। गूगल की और टिप एंड ट्रिक्स वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।